अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे आईकॉम बिजनेस मैथ की एक्सरसाइज 2.1। तो दिस एक्सरसाइज इज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से क्या बनाता है? प्रिंसिपल अमाउंट, वो वाली अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है या बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो मल्टीप्लाइड बाई रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कितना कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, रेट है। ये मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कितने साल के लिए या कितने अरसे के लिए आपने उसको पैसे को इन्वेस्ट किया है, ये जमा करवाया। तो टाइम जो हमेशा किस पे होना चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल क्या होता है? आई। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? कैपिटल आई के साथ। आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई स्मॉल आई और टाइम एन। तो ये वाला फार्मूला पी आई एन, पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन, ये आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाता है सिंपल अमाउंट। तो सिंपल अमाउंट का सिंबल क्या है? कैपिटल एस इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, और आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दें, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और जितना उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों को आप ऐड करें, उनका जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं सिंपल अमाउंट। मैं ऐसी अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है उसे कहते हैं सिंपल अमाउंट। तो एस का हमने वैसे लिख दिया, पी वैसे लिख दिया, आई का ये वाला फॉर्मूला लिख दिया पी आई एन पी आई एन। इन दोनों में से पी कॉमन ले लिया, यहाँ से पी कॉमन ले तो बाकी का बचा वन, प्लस आ गया पी कॉमन आ गया, बाकी आई एन। तो जो सिंपल अमाउंट है उसका फार्मूला क्या है? पी इंटू वन प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एन। तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने क्या फाइंड करना है? जो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ साथ उसको आप नोट करते जा करें, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल अमाउंट। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल क्या होता है? आई। आई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सिंपल अमाउंट एस फाइंड करना है। तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा साथ उसको मैंने नोट करता गया। तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आई फाइंड करना है एंड सिंपल अमाउंट एस फाइंड करना है फॉर रुपीज़ 5590। यानी इतने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं या डिपॉजिट करवाएं, जमा करवाए हैं। जो फॉर लिखा होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होती है। जहाँ पर जिस अमाउंट के साथ फॉर लिखा होगा, ये आपने याद रखना है कि जिस अमाउंट से पहले फॉर लिखा होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो पी इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं पी इज इक्वल टू रुपीज़ 550 फॉर 3 मंथ्स एट 6% पर एनम। अब जी देखें, फॉर 3 मंथ्स है तो ये टाइम है, एंड इज इक्वल टू 3 मंथ्स, लेकिन जो फार्मूला है उस पर जो टाइम है वो क्या कह रहा है कि टाइम को आपने ईयर्स में लेना है। तो जो मंथ्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। तो मंथ एक, जो एक साल होता है उसमें कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो एक मंथ को आपने जब भी आपने कन्वर्ट करना है कि इसमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको 12 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 3 मंथ्स है, जब आपने उसको 12 के साथ डिवाइड किया, 12 के साथ क्यों डिवाइड किया? इसलिए कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ये आप किस में कन्वर्ट हो गया? ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 3 इक्वल 12 के साथ डिवाइड कर दें, 1/4, 3 1s are 3, 3 4s are 1/4, 0.25। 1 को 4 से डिवाइड कर दें या 3 को 12 से डिवाइड कर, 0.25 आ जाएगा, 0.25 ईयर्स। तो एन निकल हुआ आ गया 3 मंथ्स का, उसका हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। 12 के साथ डिवाइड कर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, 0.25 ईयर्स। फिर क्या है? एट 6% पर एनम, पी पर ए एनम, एनम इज सालाना, एक साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है। इसको क्या लिखें? आई। आई इज इक्वल 6%। तो 6% क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो जिसको डिवाइड कर दे 100 के साथ, 0.06 पी ए, साथ पी ए जरूर लिखना है पर एनम, ठीक है। आई इज इक्वल 6%, 6% है तो परसेंट क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100। तो 6 को 100 से डिवाइड किया, 0.06 पी ए आ गया, ठीक है जी। अब आपने फार्मूला लिखते हैं आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन।
आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 550 आई की वैल्यू 0.06 है 0.06 और एन की वैल्यू 0.25 ठीक है पी की वैल्यू लगा दी 550 आई की वैल्यू 0.06 और एन की वैल्यू 0.25 सारी वैल्यू हमने लगा दी है। अब क्या करना है कैलकुलेटर यूज़ करना है अब सभी को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 550 मल्टीप्लाइड बाई सबका मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा ₹83.85। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपने सिंपल अमाउंट फाइंड करनी है तो सिंपल अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं। सिंपल अमाउंट का फार्मूला क्या है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सिंपल अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है ₹55,590। इंटरेस्ट हमने फाइंड किया ₹83.85 तो दोनों को प्लस कर दें दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपका आंसर आएगा ₹5,673.85 ये आपका आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। ये आंसर आ गया सिंपल अमाउंट का। ये क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के स्टेटमेंट देखें जी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बुक आप ये पास रखा करें जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते वक्त बुक आप लेफ्ट अपने पास रख लीजिए। बुक आके आप पास होगी तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर टू क्या है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आई फाइंड करना है हमने फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आई फाइंड करना है ₹350 ये प्रिंसिपल अमाउंट है फ्राम 3rd March टू 28 December यानी 3 मार्च से लेकर हमें 28 December तक एट 4.12% पर एनम। तो क्या फाइंड करना है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट तो हम क्या लिखें आई फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट 350 है फ्राम 3rd March टू 28 December एट 4.5% पर एनम। इसको लिखते हैं आई इज इक्वल सबसे पहले क्या लिखेंगे आई सिंपल इंटरेस्ट है तो ये हमने फाइंड करना है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है ऑन रुपीज कितना है 350 ऑन रुपीज 350 इतने पैसे पर आपने फाइंड करना है ठीक है। तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 350 फ्रॉम 3rd March जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है एन इज इक्वल फ्रॉम 3rd March फ्राम 3rd March टू 28 December ठीक है ये टाइम आपके पास। अब देखिए इसको टाइम को हम कैसे करेंगे इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है जो भी टाइम है मैंने बताया उसको आपने क्या करना है ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 3rd March से लेकर 28 December तक कितने दिन बनते हैं पहले तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि 3rd March से लेकर 28 December तक कितने दिन बनते हैं जो एक साल होता है 1 year में कितने डेज होते हैं 365 days 1 year में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365 days होते हैं ठीक है। उनमें से आप माइनस कर दें देखिए इसमें जनवरी शामिल नहीं है फरवरी शामिल नहीं है 3rd March से शुरू करना है 3rd March से पहले क्या आ रहा है जनवरी का महीना और फरवरी का महीना और जो मार्च है उसके 2 दिन आ रहे हैं ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से जनवरी के कितने दिन होते हैं 31 days जनवरी के जनवरी इसमें शामिल नहीं है ना जनवरी के 31 days होते हैं उसको माइनस कर देंगे। फरवरी के कितने दिन होते हैं 28 days फरवरी के 28 days और 3rd March है तो मार्च के कितने माइनस करेंगे 2 days जो एक साल है एक साल में 365 days होते हैं उसमें से जनवरी को हमने निकाल दिया क्योंकि जनवरी इसमें शामिल नहीं है जनवरी के 28 days फरवरी भी इसमें शामिल नहीं है फरवरी के 28 days 3rd March है तो मार्च से 2 दिन वो भी हमने निकाल दिया। उसके बाद 28 December तो दिसंबर के कितने दिन होते हैं 31 होते हैं 28 के बाद कितने दिन हैं 3 दिन 29, 30 और 31 माइनस भी तो ये सब आपने क्या किया माइनस कर दिया तो ये वाले टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 3rd March से लेकर
20 दिसंबर तक ये वाले आपके डेज आ जाएंगे। तो एन इक्वल टू 365 में सबका माइनस करेंगे, ये क्या बन गया 301 डेज, ये बन गया 301 डेज। अब आपने क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में, इसका हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, 301 / 365। थ्री से एक ईयर में 365 डेज होते हैं ना, यहाँ पर डेज आते हैं, फिर देखेंगे ईयर में कितने डेज होते हैं। अगर मानता हूँ किसके साथ डिवाइड करते हैं 12 के साथ, और ईयर में फिर किसका डिवाइड करने हैं 365 के साथ, ये बन गया ईयर्स में ईयर्स। तो हमारे पास आई हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 350 है, एन हमने फाइंड कर लिया 301 / 365। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4.5% है, आई इज इक्वल टू कितना 4.5% पर एन एम, पी ए पर एन एम। तो 1/2 कितना था 0.5 इज इक्वल 4, 1/2 से डिवाइड कर 4 वैसे ही लिख दें, 1/2 से डिवाइड कर 0.5 आ जाएगा, 0.5% है, इसको 100 के साथ डिवाइड कर दें, परसेंट है ना, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 पर एन एम। तो 4.5 को 100 से डिवाइड करें 0.045, क्या आगे 0.045 पर एन एम, ये आगे के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आप फार्मूला लिखते हैं आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है रुपीज 350, प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 350, आई की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 0.045, फिर जो एन है एन की वैल्यू कितनी है 301 / 365, ये एन की वैल्यू है। तो आई अब क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, 350 मल्टीप्लाइड बाई 0.045 मल्टीप्लाइड बाई 301, और इसको डिवाइड कर दें किसके साथ 365 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 12.95। इसका तादाद आप क्या लिखते हैं रुपीज़ लिखते हैं, रुपीज़ 12.95, तीनों का मल्टीप्लाई करें 365 के साथ डिवाइड कर दें एंड यू विल गेट द आंसर 12.95। ये आपकी क्या आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखें बुक आपके पास भी मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिसके पास जिनके पास बुक नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर भी फाइंड द एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर भी आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना ऑन ए 60 डेज लोन। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना ऑन ए 60 डेज लोन, ये टाइम है 60 डेज, इसको हम किस पर कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, ऑफ रुपीज 10,500, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, एट 31/2% पर एनम, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने क्या आई फाइंड करना है, फिर एन इज इक्वल 60 डेज है, इसको कन्वर्ट करते हैं ईयर्स में, यह प्रिंसिपल अमाउंट है, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लिखते हैं इसको, आई हमने फाइंड करना है, आई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, एन इज इक्वल किया 60 डेज। तो उसका हमने किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में, डेज है, तो जब डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो उसका हमने 365 के साथ डिवाइड कर लेना है, तो ये क्या बन गया ईयर्स बन गया, ठीक है। जब ये आपने डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है फिर 365 के साथ डिवाइड कर लेना ऑफ रुपीज, तो प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे दी हुई है रुपीज 10,500, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, एट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आई इज इक्वल टू 31/2% पर एनम, आई इज इक्वल टू 13 वैसे लिख दिया, तो 1/2 कितना होता है 0.5, जहाँ पे 1/2 उसका 0.5 लिखते हैं, जो परसेंट है मीन डिवाइडेड बाई 100 पर एनम, ठीक है। आई इज इक्वल टू 30.5 को 100 से कैसे डिवाइड करें 0.135 आ जाएगा, 0.135 पर एनम। अब फार्मूला लिखेंगे, किसका फार्मूला लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या, पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन, आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है रुपीज 10,500, आई की वैल्यू ये वाली है 0.135
फाइव एन, एन की वैल्यू कितनी है, ये 60/365 60/365 तो आई इज इक्वल टू रुपीज 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.135 मल्टीप्लाई बाई 60। इन तीनों का मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें 365 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 233.01। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, या तो कुछ कुछ बताता है कुछ पूछता है, ये क्या फरमाइश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड, पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डेट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज, क्या कह रहा है, डेट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट है आई दिया हुआ है। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड, हमने प्रिंसिपल अमाउंट पी फाइंड करना है। डेट द सिंपल इंटरेस्ट आई 48 है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट, ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, ठीक है। इसको करते हैं, क्या लिखें, पी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, पी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, पी ये हमने, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज रेंटेड डेट द सिंपल इंटरेस्ट जो आई है वो कितने हैं, रुपीज़ 48। इफ इट इज़ इन्वेस्टेड एट 3%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर एनम है, पी ए 3% का मतलब 3/100 पर एनम, तो आई इज इक्वल टू 3 को 100 के साथ डिवाइड करें 0.03 पर एनम आ जाएगा फॉर 5 ईयर्स। तो एन इज इक्वल टू 5, ये पहले ईयर्स में है तो इसको टाइम को ईयर्स में होना चाहिए, ये पहले ईयर्स में है तो इसको कुछ नहीं करना। अब फॉर पी फाइंड करना है, तो फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। तो हमने क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, तो आई और एन जो वो क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, आई और एन कब दूसरे साइड पर ले जाएं, ये वैसे ही कर लें, तो आई की वैल्यू लगा दें, आई की वैल्यू कितनी है 48, रुपीज़ 48 लिखते हैं यहाँ पर 48, पी हमने फाइंड करना है। आई की वैल्यू कितनी है 0.03, आई की वैल्यू 0.03 है और एन की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। आई को 48 लिखते हैं हमने, आई की वैल्यू 48 है, पी हमने फाइंड करना है, वैसे लिखते हैं आई की वैल्यू 0.03 48 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई, तो मल्टीप्लाई करें 0.03 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 × 50 0.15 आ जाएगा, और 0.15 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 48 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दूसरी से बन जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू पी। 48 को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 0.15 के साथ, तो रुपीज़ का आ जाएगा ₹320। 48 को 0.15 के साथ डिवाइड किया तो ₹320 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ लॉन्ग यानी कितना अरसा लगेगा, टाइम फाइंड करना हमें, जब लिखा हाउ लॉन्ग उसका मतलब हमने टाइम फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न रुपीज़ 11,250 इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है। हाउ लॉन्ग एन फाइंड करना है, टू अर्न करना है इतना इंटरेस्ट हमने अर्न करना है, ये आई की वैल्यू है 11,250 ऑन ए डिपॉजिट ऑफ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो डिपॉजिट है वो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एट 7.2% पर एनम। एन फाइंड करना क्या लगे, एन फाइंड करना है, ये आई इज इक्वल 11,250, इसको लिखते हैं एन की वैल्यू हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो टू अर्न करना है रुपीज 11,250, तो ऑन ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज, डिपॉजिट है प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 75,000,
आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 7.12%। जो आई है वो है 7.12% पर एनम। ठीक है, ये चीज जिसका हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 7 वैसे लिख दिया, 1/2 से डिवाइड करें तो 0.5 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई हंड्रेड कर दें। ठीक है, पर एनम इसको भी वैसे ही रहने दें। ठीक है, या डिवाइड कर लें, चलें डिवाइड कर लें, 100 से डिवाइड कर 0.075 आ जाएगा। क्या होगा, 7.5 को 100 से डिवाइड कर 0.075 पर एनम, ये आपका आई आ गया। अब क्या करना है, फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीपाइड बाई आई मल्टीपाइड बाई एन। तो हमने एन फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू लगा देंगे, आई की वैल्यू कितनी है, 11,250 रुपीज़। पी की वैल्यू क्या, 75,000 है। आई की वैल्यू कितनी है, 0.075। और एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 11,250। तो 75,000 को मल्टीप्लाई करते हैं, 75 कैलकुलेटर यूज़ करें, अभी जल्दी जल्दी बताएं, 75,000 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.075 के साथ। तो आंसर आएगा 5625। ये आएगा 5625 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर डिवाइड हो जाएगा, 11,250 डिवाइडेड बाई 5625 इज इक्वल टू एन। इसको टू, इसको सर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 11,250 को इसका डिवाइड करें, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ईयर्स। एन इज इक्वल टू दी एफ ओर एन इज, ये आपका आंसर आ गया। भाई इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है ये देखें। इसमें भी हाउ लॉन्ग है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग वेल इट टेक, फॉर लिखा है, फॉर पी एस 5,000। तो ये क्या है, 4 PS 5,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टू प्रोड्यूस कितना, टू प्रोड्यूस 500 एंड इंटरेस्ट, ये वाला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउ लॉन्ग एन फाइंड करना है, टेक 4 PS 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, टू प्रोड्यूस 500 एंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। आई ये सिंपल इंटरेस्ट है एट ए रेट ऑफ 4%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। एन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6, एन हमने फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक रुपीज़ 5,000, प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 5,000 टू प्रोड्यूस, आई इज इक्वल टू कितना, रुपीज़ 500 एज इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ, आई इज इक्वल टू कितना, 4%। तो आई का हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 4% है, तो 4 डिवाइडेड बाई पर एनम 0.04 पर एनम। ये फार्मूला लिखते हैं, आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। आई की वैल्यू 500 है, पी की वैल्यू 5,000 है, आई की वैल्यू 0.04 है और एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 500 इज इक्वल, तो 5,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 0.04 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो 500 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 200 के साथ डिवाइड करें तो 2.5 ईयर्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखेंगे, क्या, एट व्हाट रेट, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, आई की वैल्यू फाइंड, स्मॉल आई, एट व्हाट रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, स्मॉल आई रुपीज़ 5,000, यह प्रिंसिपल अमाउंट है,
डबल ईयर सेल्फ यानी 10,000 मान जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है 5,000, डबल ईयर सेल्फ डबल हो जाए यानी 10,000 मान, यानी इसमें 10,000 कैसे बनेंगे, इसमें 5,000 इंटरेस्ट शामिल करेंगे। डबल कैसे होंगे, इसमें 5,000 इंटरेस्ट शामिल करें, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है तो इंटरेस्ट भी इसमें 5,000 शामिल करें ताकि ये डबल हो जाए इन 5 ईयर्स बाई सिंपल इंटरेस्ट। ये टाइम है 5 ईयर्स। तो आई हमने फाइंड करना है, एट व्हाट रेट आई हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, इसको हमने रुपीज़ 5,000 तो उसका हमने डबल करना है 5,000, यानी इसमें 5,000 इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब ये डबल होगा 5,000 और यानी इज इक्वल टू 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 साल में उसको आपने डबल करना है। फिर फार्मूला लिख सकते हैं I इज इक्वल टू P मल्टीपाइड बाई I मल्टीपाइड बाई N। I की वैल्यू 5,000 है, P की वैल्यू भी 5,000 है, 5,000 I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और N की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 5,000 डिवाइडेड बाई ये 5,000 इधर आ जाएगा, ये 5 भी इधर डिवाइड हो गया, 5,000 5 दोनों का हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, ये दोनों मल्टीपाई हो रहे हैं ना, दोनों इसके नीचे आ जाएगा तो 5,000 इसके साथ काट दिएगा तो 1/5 इज इक्वल कितना 1/5। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने किस पे लिखना होता है, परसेंटेज में लिखना होता है। इसकी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 100% के साथ मल्टीपाई कर दिया, आई की वैल्यू 1/5 है, इसको आपने परसेंट ए में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे 100% के साथ मल्टीपाई करना है, 5 20s are 100, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 20%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है उसको पढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 600 है, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, द इंटरेस्ट ऑन ऑन लिखा है ना, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स इस रुपीज 210, ये इंटरेस्ट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 210 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 600 एंड 5 ईयर्स है, वाट इज द रेट परसेंट, रेट हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखें, प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 600 रुपीज 600 एंड इज इक्वल टू 5 ईयर्स I इज इक्वल टू रुपीज 210 I हमने फाइंड करना है, I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ऊपर भी हमने I की वैल्यू फाइंड करनी थी। फार्मूला में लिखते हैं, फार्मूला क्या लिखना है, I इज इक्वल टू P मल्टीपाइड बाई I मल्टीपाइड बाई N। I की वैल्यू 210 लिखते हैं, 210 P की वैल्यू 600 है, I हमने फाइंड करना है और N की वैल्यू 5 है, फिर 210 डिवाइडेड बाई 600 भी ये अलग दोनों इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू I। तो ये जीरो काट गया, जीरो के साथ काट गया, तो ये किसके साथ क्या काट जाएंगे 3 के साथ, 3 7s are 21 3 20 I 7 20 का 5 के साथ मल्टीपाई कर दें कितना 25 100 इज इक्वल टू I, I इज इक्वल क्या आ गया 7/100। अब इसको आपने परसेंट ए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीपाई कर देंगे 100% के साथ, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को नंबर को परसेंट ए में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 के साथ कट गया, आई से कट कितना आ गया 7%। दिस इज योर आंसर। वैसे साइज 2.1 कंप्लीट हो गया, इसके 80 क्वेश्चन है, सारे हमने कर लिए हैं, उम्मीद है कि इसमें एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है, उसी फार्मूले से हमने सारे सवाल कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि इसकी एक्सरसाइज की समझ यही होगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपने हर क्वेश्चन की 2-3 दिन दफा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।